आज हम बीएड सेकेंड ईयर में माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा और मानदंड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानदंड समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले मानदंड में सामान्य परिचय आएगा। सामान्य परिचय के अंदर जैसे पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है, प्रकाशक का नाम है, स्वत्वाधिकार का है, पृष्ठ संख्या है और पुस्तक का मूल्य है। सामान्य परिचय में यह आएगा। उसके बाद आएगा यांत्रिक तत्व, यानी पुस्तक का जो रूप है, टिकाऊपन है, कागज का आकार प्रकार है, अक्षरों की स्पष्टता है, शब्दों और रेखाओं के बीच की दूरी है, उपांत की उपयुक्तता है आदि। फिर आएगा संगठन। तीसरा सामान्य योजना है, विषय वस्तु का विभाजन है, सारांश है, क्रमबद्धता है, सुसंबद्धता है, ये सब संगठन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है विषय वस्तु में वस्तु का प्रस्तुतिकरण, या पुस्तक में विषय का प्रस्तुतिकरण। जैसे प्रस्तुतिकरण में आएगा शैली है, शब्द भंडार है, ठोस तथ्य है, समरूपता है, सरलता है आदि। फिर है उदाहरण। उदाहरण में आएगा शुद्धता, विषयनिष्ठता, गुणात्मकता, आकर्षक, प्रेरक आदि। फिर है अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में विषय वस्तु से संबंधित हो, व्यापक हो, मूल्यपरक हो, प्रेरणादायक हो, व्यवस्थित हो, पर्याप्त मात्रा में हो। फिर आएगा संदर्भ एवं शब्दावली। फिर संदर्भ और शब्दावली के अंतर्गत व्यवहारिकता आएगा, शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण आएगा, पूर्णता आएगा, संबंधता आएगा विषय वस्तु से। फिर आएगा विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण आएगा। उसके बाद है हमारा परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका, यानी अनुक्रमणिका में पूर्णतया व्यवस्थित और महत्वपूर्ण और सुसंबद्ध आएगा। यह है अपने मानदंड के, अपने पुस्तक समीक्षा के मानदंड। अब है अपना पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। अब है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। जब हम किसी भी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखकर उसकी समीक्षा की जाती है। जैसे सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करें तो समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से विद्यार्थियों के आयु स्तर है, आकार है, लेखन है, भाषा शैली है, इन सब पर ध्यान देना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक जिस स्तर के लिए बनाई गई है उस स्तर के छात्रों को रुचियां, अभिवृत्तियां और आवश्यकताएं किस प्रकार की है तथा उनको ध्यान में रखते हुए हमें इनको जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार की विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिवृत्तियां उसी प्रकार हमें पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो संबंधित बालकों की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार करने योग्य है या नहीं है, और है तो किस हद तक है, और नहीं है तो किस हद तक है या किस सीमा तक है, इस बात का ध्यान रखते हुए समीक्षा के पश्चात हमारे सुझाव देने की संभावना होनी चाहिए, जिससे लेखक नवीन संस्करण बनाते समय उन बातों का ध्यान रखते हुए उसमें सुधार कर सके। जो हम सुझाव दे रहे हैं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते समय उसमें क्या क्या कमियां रह गई है उनको हम सुझाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो पुस्तक जो छापने वाला जो संस्करण छापेगा या लेखक है वो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे की पुस्तक को छाप सके। अब पाठ्य पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले आएगा आयु स्तर, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की जो पुस्तक है लगभग 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक आयु स्तर के आधार पर सही है, क्योंकि अपने आगे की जो 3 वर्षों में जो क्लासे लगती है या 3 वर्ष छात्र जो पढ़ाई करते हैं आगे की क्लासों में, वो अपने आप को देश का सुयोग्य नागरिक बनाने या बनाना स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा है कि कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है वो आयु के अनुसार बालकों के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब है आकार के अनुसार, यानी जो पुस्तक का जो आकार है मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों पर प्रभाव डालती है, और यह पाठ्यक्रम या इसकी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो आयत आकार की है, जिसे आकार की दृष्टि में उत्तम पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि आयत आकार की जो पुस्तक है वो बैग में रखने में, विद्यार्थियों को रखने में, खोलने में सुविधा रहती है, इसलिए इसको उत्तम माना है। उसके बाद है कवर चित्र। कवर चित्र में कक्षा 10 की जो पुस्तक का कवर है यद्यपि पहले वाले कागज का है, फिर भी यह अधिक आकर्षक प्रतीत होता है,
क्योंकि इस पर मात्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एक नाम होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतीत होता है, लिखा हुआ दिखाई देता है साफ साफ अक्षरों में, यानी चित्रों के रूप में। एकल परिवार सामाजिक विज्ञान के जो पुस्तक है उसमें चित्रों के रूप में, जैसे सामाजिक परिवार समाज से रिलेटेड जो भी, जैसे एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है और उनके रीति रिवाज है, उन सब का सहयोग किया गया है जो इससे संबंधित है, इसलिए इसको उपयुक्त मानी गई है और कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर कवर चित्र बनाया गया है। उसके बाद है अपना प्रकाशन सामग्री। प्रकाशन सामग्री में विषय अनुसार आयुक्त उपयुक्त नाम है, क्योंकि इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो विभाजन है वह मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योंकि सभी सामाजिक विषयों को सामग्री पर्याप्त मात्रा में दी गई है, जिसमें लेखक और प्रकाशक के माध्यम से, जैसे 1998 की जो संस्करण जो प्रस्तुत हुआ था या प्रस्तुत किया गया था, इसमें जो प्रश्न दिए गए थे वो कक्षा के स्तर के अनुरूप थे तथा प्रश्न छोटे और सारगर्भित थे जो स्तर के अनुरूप और उपयुक्त थे। यानी पाठ्य पुस्तक संचालन में वर्गीकृत में पुस्तक में कुल 33 पाठ दिए गए और 33 पाठ को 4 भागों में विभाजित किया गया, और स्पष्ट नजर आता है कि उसके 4 भाग किए गए और इस विषय जिसमें विषयों के पाठ अन्य विषयों के पाठ भी सम्मिलित किए गए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो कई विषयों से मिलकर सम्मिलित होती है, इसलिए उसमें विभिन्न प्रकार के पाठों का सम्मिलित किया गया। अब अपना संगठन। संगठन में पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु का संगठन किया गया है वह क्रमबद्धता लिए हुए नहीं है, क्योंकि सभी सामाजिक विषय संबंधित पाठ्य वस्तु दी गई है। सामान्य रूप से इस पुस्तक को सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में संगठित किया गया है, यानी जो इसमें संगठन जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठों का संगठन दिया गया है वह सामाजिक विज्ञान के अनुरूप तो नहीं है, किंतु सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत दिया गया और संगठित किया गया है। उसके बाद है अपना प्रस्तुतिकरण। इस पुस्तक में बात करने का तरीका शैली उच्च स्तर की है, जिससे छात्र शीघ्रता से समझ लेते हैं। या पुस्तक की जो शब्दावली है सामान्य है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो इस स्तर के जो छात्र है नहीं समझ पाते हैं। यानी इस पुस्तक में जो भी विषय वस्तु दी गई है उसका चयन पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर ही किया गया है। फिर है उदाहरण, यानी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण यथा स्थान प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण वास्तव में जीवन की यथार्थता को सजोए हुए प्रस्तुत किए गए जो उदाहरण है वे गुणात्मक दृष्टि से कहे जा सकते हैं कि जो विषय वस्तु के आधार पर जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वह विषय वस्तु के आधार पर उनको गुणात्मक दृष्टि से उत्तम, यानी उनके गुणों को देखते हुए उनको उसको उत्तम प्रकार का माना गया है। उसके बाद आएगा अपना मानचित्र। मानचित्र है, चार्ट है, रेखा है, यानी जो मानचित्र दिए गए वो मूर्तता यानी सत्यता को प्रतीत करते हैं, यानी निर्जीव जीव को एक मूर्त रूप प्रदान करती है। भूगोल का जो भाग है उसमें इसकी मानचित्र की आवश्यकता जरूर रहती है। रेखा है, चार्ट है, आरेख है, इनकी आवश्यकता रहती है। और यह यथा स्थान भी दिए गए हैं तथा इस पुस्तक में समय रेखा दी हुई है, लेकिन चार्ट का प्रयोग बहुत कम जगह पर किया गया है। उसके बाद अपना आता है अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न में जैसे पाठ्य पुस्तक का जो प्रत्येक पाठ है उस पाठ के समाप्त होने के बाद अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं जो विषय वस्तु से संबंधित भी है, और विषय वस्तु से संबंधित तो है लेकिन उनका परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी माना गया है, उपयोगी कह सकते हैं, क्योंकि पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं वह बालकों विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और उनको आगे चलकर परीक्षा में उनको अभ्यास करवाने के संदर्भ में दिए जाते हैं, जिससे वह उनकी तैयारी
कर सके। अब है अपना संदर्भ सूची। संदर्भ सूची यानी जो पुस्तक है उसमें संदर्भ सूची विषय कहीं नहीं दिया गया या कहीं नहीं दे रखी है, जबकि संदर्भ सूची देनी चाहिए, जो कि पाठ, क्योंकि संदर्भ सूची जो है पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग, हिस्सा और अंग मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि जब कोई लेखक अपने भावों को व्यक्त करता है या पाठ्य पुस्तक बनाता है या लिखता है या संस्करण जब छपता है, उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है कि जब यह पुस्तक छापी गई या बनाई गई तो कहाँ कहाँ से इसका मेटर लिया गया, इसलिए संदर्भ सूची की आवश्यकता पड़ती है और संदर्भ सूची पाठ्य पुस्तक का आधार मानी जाती है। अब है अपना परिशिष्ट विषय सूची। परिशिष्ट और विषय सूची यानी ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय सूची का प्रस्तुतिकरण किया गया है, लेकिन परिशिष्ट के बारे में इस पुस्तक में कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर अगर माने इसका सारांश निकाले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 10th की ये जो पाठ्य पुस्तक है ये कक्षा स्तर आयु स्तर के अनुकूल है, लेकिन इसमें सुधार की संभावना भी अवश्य दिखाई देती है। यानी जो पाठ्य पुस्तक बनाई गई है वह कक्षा स्तर के अनुकूल तो मानी गई है, किंतु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिनमें सुझाव देने की आवश्यकता है तथा सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।